Welcome back. Up till now we have studied about sorting of materials. We have studied what is sorting of materials and what is advantage of sorting materials into groups and how it is done. And we have studied that sorting of materials is done on the basis of प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स. डिफरेंट मटेरियल्स जो प्रॉपर्टी होती है उसी के बेसिस पर उनको ग्रुप में डिवाइड किया जा सकता है. तो नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी डिफरेंट प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल्स एंड द फर्स्ट प्रॉपर्टी हियर इज अपीयरेंस. अपीयरेंस मीन्स दिखावट. मीन्स कोई भी चीज़ बाहर से कैसी दिखाई देती है वो उसका अपीयरेंस होता है. देन अपीयरेंस में पढ़ते हैं तो ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस लुक वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर. दिस इज बिकॉज द नेचर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर मेड डिफर फ्रॉम ईच अदर. आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक एट मेटल्स केयरफुली सच एज आयरन सिल्वर गोल्ड एल्यूमिनियम they have a common property, they all shine. then appearance में देखते हैं जो उनके बाहर की दिखावट होती है इसमें, तो ये तो फिर उसकी उसमें दिया हुआ है कि ऑब्जेक्ट्स अराउंड अस लुक वेरी डिफरेंट. जो हमारे चारों तरफ जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अलग अलग दिखाई देते हैं, उनकी जो अपीयरेंस होती है अलग अलग होती है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द नेचर ऑफ मटेरियल्स फ्रॉम विच दे आर मेड डिफर्स. ये इसलिए क्योंकि वो जिससे मिल के बने होते हैं वो उनकी जो नेचर होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है. आयरन अपीयर्स डिफरेंट फ्रॉम गोल्ड बट एट द सेम टाइम इफ यू लुक, जो आयरन होता है वो गोल्ड से अलग दिखाई देता है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो आयरन सिल्वर गोल्ड एल्यूमिनियम जो कि सब मेटल्स हैं इनमें एक कॉमन प्रॉपर्टी होती है, दे ऑल साइन, ये सब चमकते हैं. देन बेस्ड ऑन दिस साइनिंग प्रॉपर्टी मेटल्स कैन बी क्लासिफाइड दैट मेटल्स आर सच मटेरियल्स दैट साइन. सो नेक्स्ट में दिया हुआ है द साइन ऑफ द मटेरियल इज नोन एज लस्टर. जो मटेरियल का जो साइन करने का प्रॉपर्टी है उसको लस्टर कहते हैं. मटेरियल्स दैट हैव साइन ऑन देम आर कॉल्ड लस्ट्रस मटेरियल्स. और ऐसे मटेरियल्स जिनके जिनके पास साइन होती हैं उनको लस्ट्रस मटेरियल, चमकीले पदार्थ कहते हैं. द लस्टर ऑल्सो डिटरमाइंस द इकोनॉमिक वैल्यू ऑफ अ सब्सटेंस. लस्टर से उसकी इकोनॉमिक वैल्यू मीन्स आर्थिक वैल्यू डिटरमाइन होती है. मीन्स उसकी कितनी कीमत होगी उसकी चमक पर भी ये काफ़ी कुछ निर्भर करती है. मेटल्स आर लस्टर्स. मेटल्स होते हैं वो चमकीले पदार्थ होते हैं. दिस प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स इज वाइडली यूज फॉर मेकिंग ज्वेलरीज एंड अदर डेकोरेटिव आर्टिकल्स. और यह इनकी चमकने की प्रॉपर्टी डेकोरेशन पे और ज्वेलरी में यूज़ होती है. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर कॉपर मेटल. फॉर एग्जाम्पल गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर. गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर ये क्या हैं, एग्जाम्पल्स हैं ऐसे मेटल्स के जो लस्ट्रस हैं, चमकीले हैं. नेक्स्ट इज मेटल्स लाइक आयरन ऑफन लूज साइन एंड अपीयर डल व्हेन एक्सपोज्ड टू एयर एंड मॉइस्चर फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. जब एयर और मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में मेटल आयरन जैसे मेटल को रखा जाता है तो वो अपनी साइन करने की प्रॉपर्टी को खो देते हैं. मेटल्स आर लस्टर्स व्हेन व्हाइल नॉन मेटल्स हैव नो शाइन आर लस्टर. जो मेटल्स होते हैं उनके पास चमकीलेपन की प्रॉपर्टी होती है, लस्टर्स प्रॉपर्टी होती है, लेकिन जो नॉन मेटल्स होते हैं उनके पास चमकने की कोई प्रॉपर्टी नहीं होती है, कोई लस्टर नहीं होता है. दे आर नोन एज नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स. वो नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स कहते हैं हमको, सच एज वुड. इसके एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, वुड, कोल, रबर, कोयला, लकड़ी, रबर, ये सब नॉन मेटल के एग्जांपल्स हैं और नॉन लस्ट्रस ऑब्जेक्ट्स. ऐसे ऑब्जेक्ट्स जो चमकते नहीं हैं, ऐसे ऑब्जेक्ट्स के एग्जाम्पल्स हैं. टेक्स्चर. टेक्स्चर मीन्स संरचना या बाहरी रूप से, या कह सकते हैं कि बाहरी संरचना, टेक्सचर. देन हैव यू एवर टच्ड द पेटल्स ऑफ फ्लावर और हैव यू एवर मूव्ड योर हैंड्स ओवर द सरफेस ऑफ क्लीन विंडो पेन. जो कांच की खिड़कियाँ होती हैं और जो
फूलों की पंखुड़ियाँ होती हैं उसको आपने छुआ है, व्हाट डिड यू फील, आपको कैसा महसूस होता है? यू फील दैट द पेटल्स ऑफ द फ्लावर एंड विंडो पेन आर स्मूथ। आपको ये अगर आपने कभी फील किया होगा तो ये आपको पता चलेगा कि जो फूल की पंखुड़ियाँ हैं और कांच, जो खिड़की का कांच है, वो दोनों ही स्मूथ हैं ना। लेकिन वहीं दूसरी तरफ, ऑन द अदर हैंड, इफ़ यू मूव योर हैंड ऑन अ स्टोन, पत्थर पर अपने हाथ को आप मूव करते हैं, यू फील दैट इट इज़ रफ, कि या एक इसका जो सरफेस है वो रफ है, ऐसा आपको फील होगा। सो ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर टेक्सचर, इसलिए ऑब्जेक्ट्स को उनको टेक्सचर के बेसिस पर, उसके आउटर स्ट्रक्चर के बेस पर क्लासिफाइड किया जा सकता है, हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस के बेस पर। हार्डनेस, द नेक्स्ट हेडिंग इज हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस इज अनदर प्रॉपर्टी विच हेल्प्स अस टू क्लासिफाई द मटेरियल्स इन टू डिफरेंट ग्रुप्स। मटेरियल्स दैट कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच इजली, जिन्हें आसानी से कंप्रेस या स्क्रैच नहीं किया जा सकता, उन्हें हार्ड मटेरियल्स कहते हैं, एंड आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स सच एज आयरन एंड कॉपर। इसके एग्जाम्पल्स को अगर देखें तो आयरन और कॉपर दोनों ही जो कि मेटल है, एंड ऑन द वेल द मटेरियल्स विच कैन बी कंप्रेस्ड और स्क्रैच ईजली आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल सच एज कॉटन एंड स्पंज। कॉटन और स्पंज जो है वो सॉफ्ट मटेरियल्स के एग्जाम्पल्स है, क्योंकि इनको आसानी से कंप्रेस किया जा सकता है और स्क्रैच किया जा सकता है। नेक्स्ट इज सॉल्युबिलिटी। सम सब्सटेंसेस डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर, वाटर में जो डिजॉल्व होने की प्रॉपर्टी है उसको सॉल्युबिलिटी कहते हैं। उसके अकॉर्डिंग मटेरियल्स को क्लासिफाई किया जा सकता है, सॉर्ट किया जा सकता है, ग्रुप में रखा जा सकता है। सम सब्सटेंसेस डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर, कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जो वाटर में पूरी तरह से डिजॉल्व हो सकते हैं, घुल सकते हैं, वेयर एज सम डू नॉट डिजॉल्व एट ऑल, और ये कुछ ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल भी नहीं घुलते हैं। सच सब्सटेंसेज आर कॉल्ड सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। मीन्स कुछ सब्सटेंसेज जो पूरी तरह से घुल जाते हैं उनको सॉल्युबल सब्सटेंसेस कहते हैं। सब्सटेंसेस विच डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर नोन एज सॉल्युबल सब्सटेंसेस एंड दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड सॉल्युबिलिटी। ऑन द अदर हैंड इफ अ सब्सटेंस डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर इज कॉल्ड इनसॉल्युबल सब्सटेंस। और अगर वो कोई सब्सटेंस डिजॉल्व नहीं होता है वाटर में तो उसको क्या कहते हैं? इनसॉल्युबल सब्सटेंस, वाटर में इनसॉल्युबल। तो वाटर के ही रेस्पेक्ट में ये बात हो रही है, तो ये हमको मानना चलेगा वाटर में इनसॉल्युबल है। सॉलिड्स, कुछ ऐसे सॉलिड्स जो सॉल्युबल हैं वाट मीन्स वाटर में, क्वाइट लार्ज नंबर ऑफ सॉलिड्स आर इनसॉल्युबल वाटर। बहुत से सॉलिड्स बहुत बड़ी संख्या में नंबर में इनसॉल्युबल हैं, अघुलनशील। फॉर एग्जांपल मेटल्स, स्टोन्स, वुड, मड एटीसी, इनके एग्जांपल्स धातुएं, मेटल्स, स्टोन्स, वुड, मड, ये सब इनसॉल्युबल हैं, पानी में नहीं घुलते हैं, आर इनसॉल्युबल इन वाटर। हाउएवर सम सॉलिड्स सच एज sugar, common salt and certain salts of metals are soluble in water. और जबकि कुछ ऐसे सॉलिड्स होते हैं जैसे sugar, चीनी, common salt, नमक और and certain salts, और कई दूसरे प्रकार के नमक जैसे black salt, rock salt, ये सब soluble हैं water में। और ये सब example solids हैं जो water में soluble हैं। Liquids, most of the liquids are soluble in water. Liquid जो होते हैं, liquid लगभग जो सारे लिक्विड हैं वो वाटर में सॉल्युबल हैं। सच लिक्विड्स आर कॉल्ड मिसिबल लिक्विड्स। एग्जांपल्स आर अल्कोहल, विनेगर, विनेगर मीन सिरका, एंड लेमन जूस, नींबू का रस, ये सब पानी में घुल सकते हैं और लिक्विड्स हैं, तो मिसिबल लिक्विड्स। एंड द लिक्विड्स लाइक ऑयल्स आर इनसॉल्युबल वाटर। ऑयल्स जैसे होते हैं, ये भी लिक्विड है लेकिन ये वाटर में इनसॉल्युबल है, ये वाटर पर फ्लोट करता रहता है, तैरता रहता है। सो दीज आर कॉल्ड इमिसिबल लिक्विड्स, इनको इमिसिबल लिक्विड्स कहते हैं। गैसेस, मोस्ट ऑफ गैसेस आर इनसॉल्युबल इन वाटर। बहुत सारी जो गैसें हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में जो गैसें वो इनसॉल्युबल हैं, अघुलनशील हैं। फॉर एग्जाम्पल नाइट्रोजन, हाइड्रोजन एंड मीथेन आर इनसॉल्युबल इन वाटर। नाइट्रोजन, हाइड्रोजन और मीथेन ही इनसॉल्युबल हैं वाटर में। हाइबर सम गैसेज आर सॉल्युबल इन वाटर सच एज ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन एक ऐसी गैस है जो वाटर में सोल्यूबल है। ऑक्सीजन गैस इज स्लाइटली सोल्यूबल इन वाटर। ऑक्सीजन गैस डिजॉल्व्ड इन वाटर विच इनेबल्स द फिश एंड अदर अक्वाटिक एनिमल्स टू ब्रीथ विद द हेल्प ऑफ देयर गिल्स। और यही जो
ऑक्सीजन घुलनशील है, पानी में सल्युबल है। यही ऑक्सीजन फिश और दूसरे एक्वाटिक एनिमल्स जो जलीय जीवन के द्वारा ब्रीदिंग में यूज की जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज स्लाइटली सल्युबल वाटर, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी स्लाइटली मीन्स थोड़ी मात्रा में, ज़्यादा तो नहीं लेकिन थोड़ी मात्रा में सल्युबल है, घुलनशील है। कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व इन वाटर विच एक्ट्स एज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट फॉर फोटोसेंथेसिस फॉर वाटर प्लांट्स। और यह कार्बन डाइऑक्साइड जो डिजॉल्व रहती वाटर में, ये इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है फोटोसेंथेसिस के लिए, जो कि एक्वाटिक प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से करते हैं। एक्टिविटीज़ दी हैं लेकिन एक्टिविटीज़ को डिस्कस किया नहीं जा सकता क्योंकि कोई भी ऑपरेटर्स यहाँ पे हैं नहीं ऑनलाइन क्लास से, तो फिर एक्टिविटीज़ को भी छोड़े रहते हैं। बाद में क्लास में इसका डिस्कशन अगर जो भी इम्पोर्टेंट एक्टिविटीज़ होंगी उसकी करेंगे। नेक्स्ट प्रॉपर्टीज, मटेरियल फ्लूट्स और सिंक। कोई मटेरियल फ्लूट करता है या सिंक करता है, वो मटेरियल की एक प्रॉपर्टी है। तो नेक्स्ट हेडिंग इज दैट द सब्सटेंसेस सच एज कॉमन सॉल्ट शुगर एंड चॉक पाउडर सिंक इन वाटर। जो नमक है, चीनी है, चॉक है, ये चॉक का पाउडर अगर बनाए या फिर चॉक, ये सब पानी में डूब जाते हैं, सिंक कर जाते हैं। वेयर एज मटेरियल सच एज ऑयल फ्लोट ऑन द सर्फेस ऑफ वाटर। वाटर के सर्फेस पर जैसे ऑयल है ये तैरता रहता है। जैसे मैंने अभी मैंने पीछे पढ़ा कि ऑयल इमिसिबल लिक्विड है, ऐसा लिक्विड जो वाटर में इनसेल्युबल है, इसलिए ऑयल जो होता है वो वाटर में डिप नहीं करता, सिंक नहीं करता और फ्लोट करता रहता है उसकी सरफेस पर। इट इज़ बिकॉज द सब्सटेंसेस विच आर हैवियर देन वाटर सिंक इन इट। और ये इसलिए होता है, और ये कौन से ऑब्जेक्ट सिंक करेगा, डूब जाएगा, कौन सा तैरेगा, ये किस पर डिपेंड करेगा। तो उसका रीज़न है कि द सब्सटेंसेज विच आर हैवियर देन वाटर सिंक, मीन्स ऐसे सब्सटेंसेज जो वाटर से हैवी हैं वो डूब जाएंगे उसमें। वेर एज द सब्सटेंसेज विच आर लाइटर, और ऐसे सब्सटेंसेज जो हल्के हैं देन वाटर, पानी से फ्लोट ओवर इट, इसके ऊपर तैरते हैं। देन कौन से डूबेंगे, कौन से तैरेंगे, आपको पता चलेगा। देन दैट इसके अकॉर्डिंग भी ये क्लासिफिकेशन किया जा सकता है कि एक ग्रुप में आप उन मटेरियल्स को रखिए जो डूब जाते हैं सिंक कर, एंड दूसरे उसको रखिए जो फ्लोट करते हैं, तैरते हैं। ट्रांसपेरेंसी, नेक्स्ट प्रॉपर्टीज ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मटेरियल विच टेल्स वेदर वी कैन सी थ्रू द ऑब्जेक्ट और नॉट। किसी भी ऑब्जेक्ट से आर पार, एक तरफ से दूसरी तरफ, उस ऑब्जेक्ट्स को बीच में रख के आप देख सकते हैं कि नहीं, ये ट्रांसपेरेंसी होती है। अगर किसी मटेरियल से आप एक वन साइड से दूसरे साइड में देख सकते हैं तो दैट इज ट्रांसपेरेंट। देन ऑन द बेसिस ऑफ ट्रांसपेरेंसी वी कैन कैटेगराइज मटेरियल्स इनटू थ्री ग्रुप्स। थ्री ग्रुप्स में मटेरियल्स को कैटेगराइज किया जा सकता है ट्रांसपेरेंसी के ग्रुप पर। मीन्स अगर कोई ऑब्जेक्ट बीच में रखी है तो इस साइड से दूसरे साइड में लाइट जो है वो पास हो रही है कि नहीं, और पास हो रही है कि कितनी क्वांटिटी में पास हो रही है, ये प्रॉपर्टी के बेस पर जिसे ट्रांसपेरेंसी कहते हैं। मटेरियल्स को थ्री ग्रुप में क्लासीफाई किया जा सकता है। फर्स्ट इज ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट्स जिसे हिंदी में कहें पारदर्शी। द मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू आर द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी आर नोन एज ट्रांसपेरेंट। ऐसे ऑब्जेक्ट्स जिनसे लाइट गुजर सकती है वन साइड से दूसरे साइड में, या दूसरे शब्द में कहें कि हम जिसको बीच में रख के वन साइड से दूसरे साइड में रखी ऑब्जेक्ट्स को देख सकते हैं, उनको ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट कहते हैं। देन द मटेरियल्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू आर से द मटेरियल थ्रू विच वी कैन सी आर नोन एज ट्रांसपेरेंट सच एज एक्रेलिक सीट, ग्लास वाटर एंड एयर। दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल्स। अपेक, अपेक ऑब्जेक्ट्स अपारदर्शी वस्तु में। द मटेरियल्स विच डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू, ऐसे मटेरियल जिनसे लाइट पास नहीं हो सकती, आर द मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी, या ऐसे मटेरियल, या दूसरे शब्दों में कहें कि ऐसे मटेरियल जिनसे हम किसी चीज़ों को नहीं देख सकते। मीन्स जिन अगर वो बीच में रखी दी जाए तो उसके दूसरे साइड की चीज़ों को हम नहीं देख सकते, नोन एज अपेक, मीन्स अपारदर्शी वस्तुएं कही जाती हैं। सच एज इसके एग्जाम्पल्स हैं वुड, लकड़ी, आयरन एंड एस्बेस्टॉस। नेक्स्ट इज ट्रांसलूशेंट। पानी
पारभासी हिंदी में कहें तो, देन द मटेरियल्स थ्रू विच लाइट कैन पास पार्शियली, मीन्स लाइट पार्शियली पास हो सकती है, या कहें कि दूसरे तरफ रखी चीज़ों को हम पार्शियली देख सकते हैं, पूरी तरह से देख नहीं सकते, या ऐसा भी नहीं कि पूरी तरह से नहीं देख सकते, कुछ कुछ दिखाई देगा कुछ कुछ नहीं, पार्शियली देख सकते हैं। देन सच मटेरियल्स आर नोन एज ट्रांसलूसेंट। देन एग्जाम्पल्स में अगर देखें, देन बटर पेपर एंड थिन कर्टेन, कर्टेन मीन्स पर्दा, एक पतला पर्दा होगा कॉटन का बना हुआ बहुत थिन, तो उस थ्रू स्लाइटली आपको मीन्स पार्शली दिखाई दे सकता है, और बटर पेपर आता है उससे आपको पार्शली दूसरे साइड की चीज़ें दिखाई दे सकती हैं। तो ऐसे ऑब्जेक्ट, ऐसे मटेरियल्स को ट्रांसलूसेंट मटेरियल्स कहते हैं। देन चैप्टर इज ओवर, यू हैव टू रिवाइज द चैप्टर, एंड इसमें जो एक्सरसाइज, शॉर्ट एक्सरसाइज दिया हुआ है वो आपको करना है, पढ़ना है, उसमें क्वेश्चन दिए हुए, उसका आंसर भी दिया हुआ, तो उसमें तो कुछ करना जरूरत है नहीं, उसको आपको खुद से पढ़ना है। उसके बाद प्रैक्टिस टाइम नेक्स्ट में है, प्रैक्टिस टाइम हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, प्रैक्टिस टाइम।